अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। आज हम आप जो कल हम ये सलवार हमने कटिंग करे थे उसी को हम आज आपको सी के बताएंगे कि ये किस तरीके से दोस्तों सी सकते हैं हम लोग। तो देखिए, ये मेरा कली है जो आप लोगों को दिख रहा होगा, देख सकते हैं। तो ये देखिए, ये मेरा इस टाइप का कली जो कटिंग कर रखे हैं। तो इसमें अब हमको क्या करना है, ये सीधी वाली जो कली जो हमने 11 इंच लिए थे उसे यहाँ पे हमको इस तरीके से इस पर सिलाई लगा देना है। तो आप देख सकते हैं इधर भी सिलाई, इधर भी ना कली लगा दिए हैं। आइए दूसरी वाली जो कली, ये जो दूसरी वाली कली बच गई है दोस्तों, उसे हम क्या करना है, ये 11 इंच वाले कली में अब इधर इस साइड हमको दोनों साइड हमको ज्वाइंट सीधी सीधी सिलाई इस पर कर देना है। उसके बाद इसमें कुछ नहीं करना है। उसके बाद देखिए रुमाली बच जाएगा मेरा, रुमाली हम कहाँ पे लगाएंगे। देखिए रुमाली का यहाँ पे जो हमने आठ इंच इसे देख सकते हैं कि 8 इंच जो हमने कटिंग कर रखे थे उसी पर हमको रुमाली सेट करना है। तो देखिए रुमाली इस तरीके से आप सेट करिएगा। तो देखिए, तो ये जो मेरा रुमाली है यहाँ पे, इसको आप इस तरीके से सीधी सिलाई इस पर कुछ नहीं करिएगा। इस पर बस यहाँ से आप सीधी सिलाई दोस्तों लगा सकते हैं। यहाँ इस साइड भी लगा दीजिए। उसके बाद ये वाली जो यहाँ जो मेरा सीधा लाइन बच गया है यहाँ पे 8 इंच वाली जो कली है उसे आप इस तरीके से सीधी सिलाई इस पर लगा दीजिए। उसके बाद ये जो इस तरीके से आप पलटेंगे तो ये एक तरफ का जो जगह खाली हो जाएगा जो सेट, उस सेट हम ये दूसरी वाली कली को लगा देंगे। तो चलिए हम आपको लगा के बताते हैं। तो देखिए ये हमने कली को लगा दिए हैं जो आप लोगों को भी दिख रहा होगा। ये देखिए, ये जो सीधी वाली 11 इंच वाली कली है हमने दोनों तरफ से कली इसको लगा दिए हैं, देख सकते हैं। और दोनों सेट ये रुमाली भी मेरा लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। देखिए अब क्या करेंगे, उस वाले कली को, इस वाले कली को, दोनों को यहाँ से इस तरीके से इस पर अटैच कर देंगे। उसके बाद देखिए ये मेरा नेफा का कपड़ा है। तो नेफे के कपड़े को, तो अब चलिए मशीन पे, तो हम आपको मशीन पे ही बताएंगे कि ये नेफे का किस तरीके से हम नेफे का कपड़े को तैयार करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, नेफे का ये दोनों तरफ से मेरा खुला हुआ था जिसमें हमने एक तरफ इधर भी सिलाई लगा दिए हैं। तो देखिए हमने सिलाई लगा रखे हैं इधर भी और इस साइड भी, दोनों तरफ हमने मुंह को ज्वाइंट कर दिए हैं। तो इस साइड भी देखिए हमने 2 इंच के लगभग पर सिलाई लगा दिए हैं। उसका देखिए बीच में हमने 2 इंच की गैप कर दिए हैं जो आप लोगों को भी दिख रहा होगा। उसका देखिए ये जो मेरा, आप हमेशा जब भी नेफे को तैयार करें तो इस तरीके से यहाँ पे आप 1-1 इंच हाफ इंच आप छोड़ सकते हैं कि यहाँ पे इसका लुक बनाने के लिए। तो उसके बाद आप इस पे सीधी सिलाई लगा लीजिए। बस हमने इधर इस साइड भी सीधी सिलाई लगा लेना, आज इस तरीके से इधर भी हम कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करके इधर भी हम सीधी सिलाई, दोनों तरफ सीधी सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने इधर सीधी सिलाई दोनों साइड हमने लगा लिए हैं जो हम आपको ही बताए थे। उसके बाद इस तरफ देखिए मेरा इस तरीके का लुक इधर बन के रेडी हो गया है। तो अब सबसे पहले इसे क्या करना होगा, आप देखते रहिए। तो यहाँ से इसको इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पे देखिए, ये जो था मेरा नारा लगाने वाला वो मेरा ये मुँह खुल के आ गया है। उसके बाद इस पर कुछ नहीं करना है, बस इस पर सीधी सिलाई आपको लगा देना है। देखिए
तो इस तरीके से देखिए, इस तरीके से आप इसे फोल्ड करिएगा। बस देखिए, इस पे कुछ नहीं करना है आपको, बस इसी तरीके से आपको सीधी सिलाई लगा लेना। देखिए तो देखिए, ये इधर से आप लोग नारा के लिए जो हमने छोड़ रखे थे उसमें आप आसानी से देखिए इसमें आप नारा डाल सकते हैं। तो चलिए अब क्या करेंगे, जो भी मेरी बहन है वो कमेंट करी थी, वो हमसे पूछी थी कि जब हम नेफे को तैयार कर लेते हैं तो हमको समझ में नहीं आता है कि चूनन जो हम डालते हैं वो कहाँ से किस तरीके से डाला जाता है। तो देखिए, ये सिलाई जो मेरा दिख रहा है वो सिलाई, और ये आगे की सिलाई जो यहाँ से दिख रहा होगा आप लोगों को, दोनों सिलाई का मुँह आप इस तरीके से देखिए, ये दोनों सिलाई के मुंह को हमने इस तरीके से पकड़ लिए हैं। देखिए दोनों, इधर भी सिलाई है इधर भी सिलाई, दोनों सिलाई को इस तरीके से पकड़ के, तो कुछ नहीं करना है, दोनों आगे वाली जो है सिलाई, एक पीछे वाली हम सिलाई दे रखे हैं उसको, दोनों को मुंह को आप यहाँ से इस तरीके से पकड़ के, इधर की सर जिधर देखिए कुछ नहीं है, इधर मेरी सिलाई फिलाई कुछ नहीं है, उधर आप थोड़ा सा बस ऐसे यूं कट लगा लीजिए। अब देखिए, अब आपको क्या करना है कि जो मेरी आगे वाली सिलाई है बस उसको आपको इस तरीके से रख लेना है। तो देखिए, हमने ये वाली सिलाई को, बीच वाली सिलाई को इस तरीके से कर दी। अब देखिए, जो जो हम कट लगाए थे वो मेरा कट यहाँ पे आ गया, आप लोग को दिख रहा होगा देखिए, और इस साइड वाली कट यहाँ चला आया। तो अब हमको क्या करना है, चूनन हमको यहाँ से लगाना है, यहाँ से लगा के बस ये जो हमने कट कर दिए हैं बस वहीं पे हमको रुक जाना है, उससे पीछे हमको ये हो गया मेरे पीछे की साइड, तो पीछे की साइड चूनन लेके हमको नहीं जाना है, बस आगे ही आगे बस फ्रंट तक ही रहना है। जिसमें देखिए, अगर उस तरीके से समझ में ना आए तो आप आगे वाली जो सिलाई दे रखे हैं बस यहाँ पर से आप एक बिलान इस तरीके से नाप के उसके बाद यहाँ पर निशान लगा दें, उसके बाद इस साइड फिर क्या करें, आगे वाले इस सेट लगा दें, बस हो गया। आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं, वरना अगर इस तरीके के समझ में नहीं आए तो फिर आप आगे पीछे सिलाई को दोनों को मुंह ज्वाइंट करके और जैसे हम आपको बताए हैं उस तरीके से आप कर सकते हैं। आपको सहूलत अगर जिसमें हो तो उस वो काम आप कर लीजिए आसानी से। जो देखिए, हमने आपको बताया थे कि एक कली आपको दूसरे वाले पल्ले में इसको सेट करना है, तो अब देखिए वो भी हम आपको दिखला ही दे रहे हैं कि देखिए, एक पे तो हम कली पे ये इसको लगा दिए थे, अब दूसरी वाली जो कली है यहाँ से आप लेके आप इस तरीके से यहाँ पे इसे आप सी सकते हैं, देख सकते हैं। तो बस हम इस पे सीधी सीधी सलवार में सिलाई होती है, बस आपको कटिंग अच्छी तरीके से अगर आया है तो बस देखिए सलवार में बस यहाँ पर भी देखिए हमने इस तरीके से सीधी सिलाई इस पर भी हम लगा देंगे। तो अब देखिए, हमने दूसरी साइड भी दोनों तरफ हम रुमाली को इस तरीके से हमने अटैच कर दिए हैं। अब जो देखिए, ये जो मेरा नेफे वाला जो कपड़ा था उसे अब आगे वाला देखिए, जहाँ से आपने नारा का खोल रखे थे तो वहाँ से आप इसे पकड़ लीजिए, और ये वाले इसको देखिए जहाँ से आप रुमाली लगाए हैं उसको पकड़ लीजिए, और ये वाले को दोनों को सिलाई को आप यहाँ से इस तरीके से पकड़ के देखिए, जो हमने पहले चूनन डालने के लिए वीडियो में बता दिए हैं तब भी हम सोच रहे हैं कि फिर से हम बता दें। तो अब देखिए, यहाँ से हम चूनन किस तरीके से हम डाल रहे हैं, इसी तरीका से
जिधर हम लगा रखे हैं वो अपनी साइड हम देते इसको चली जाएंगे। तो देखिए अभी हमने किस तरीके से हम इसमें हम भर रहे हैं, तो आप लोग भी ध्यान रखिएगा। चलिए तो इसी तरीके से हमने अभी जैसे मशीन पे लगा रखे हैं तो हम अंदर की साइड दे रहे हैं। उसके बाद हम इसमें दो तरीके से इसमें चून डाला जाता है। तो चलिए मेरे वीडियो पे बने रहिए, फिर हम आगे। तो देखिए जहाँ पे हमने कट कर रखे थे वहीं तक हम आ गए हैं। अब यहाँ से आपको बस सीधी सिलाई लगा देना है और ये जो पीछे है पीछे भी हम दो चूनन ही डालेंगे, बेसी नहीं डालेंगे। बस देखिए यहाँ से बस सीधी सिलाई, आपको इसमें कुछ नहीं करना है, बस सीधी सिलाई आपको इस तरीके से लगा देना है। उसका पीछे की साइड जो है वो वहाँ पर दो चूनन बैठा लिएगा। तो चलिए देखिए हमने आ गए हैं यहाँ पे पीछे की साइड। तो फिर ये रुमाली वाले को अब पीछे वाली जो सिलाई था उसको दोनों को मिला देना है, और मिलाने के बाद यहाँ पर आपको दो चूनन दे देना है। वो देखिए किस तरीके से आपको देना, पहले तो आपको अंदर से देना है। तो देखिए हमने यहाँ पे दो चूनन डाल दिए हैं। उसके बाद आप देखिए ये जो दिख रहा है अब इसी के अंदर आपको इस तरीके से देना है। यहाँ पे हो गया। अब पीछे हमने कितना डाले थे, दो, तो दो, तो दो उस सर, दो इस सर, चार, मेरा पीछे चार चूनन इस तरीके से हमने डाल दिए। अब यहाँ से वही जहाँ हमने कट लगा रखे वहाँ पर हम सीधी जाना है हमको। तो अब देखिए वही कट के पास फिर हम आ गए हैं। उसके बाद अब देखिए दोस्तों किस तरीके से हम इस पे चूनन डालेंगे। अब हम देंगे इस तरीके से दोनों हाथ से पकड़ के, देखिए अब देंगे हम इस तरीके से। तो जो हमने पहले वीडियो में भी आपको हम चूनन बताए हुए हैं भरने के लिए कि इस तरीके से आप लोग चूनन को भर सकते हैं सलवार पे, आज हम आपको पूरी सलवार सीने के लिए बताए हैं कि किस तरीके से आप पूरी सलवार मुकम्मल तरीके से अच्छी तरीके से बना सकते हैं। तो देखिए इसमें भी कोई टेंशन नहीं है। तो चलिए हम मोहरी तो हम आपको आज बताएंगे नहीं, क्योंकि मोहरी हम कई दफ़ा हम आपको बता चुके हैं। मोहरी पर आपको जैसा डिजाइन चाहिए वो मेरे वीडियो पर जाके आप देख सकते हैं। तो अब हम मोहरी, ये हमने चूनन डाल दिए हैं, अब इस पर कुछ नहीं, अब इस पर हम मोहरी बनाएंगे। तो चलिए देखिए ये सलवार हमने आपके सामने में सी के देखिए रेडी कर दिए हैं। तो अब इसमें मेरा कुछ नहीं बचा हुआ है, अब इसमें हम मोहरी बना लेंगे नीचे इस साइड, यहाँ पे जो हम अपने आपको ही बता चुके हैं अगली वीडियो में। अब मोहरी बना के ये देखिए मैंने सब चीज़ अब रेडी कर दिए हैं। मोहरी हम आपको नहीं बता सकते हैं क्योंकि मोहरी का डिज़ाइन इसमें डालेंगे वो आपके मेरे वीडियो में डाला हुआ है, तो आप मोहरी का डिज़ाइन देख सकते हैं। और वरना आप कमेंट करिए दूसरी डिज़ाइन की मोहरी के लिए, तो हम इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करेंगे। तो देखिए ये मेरा चूनन हमने इस तरीके से लगा दिए हैं, ये पूरा सलवार देखिए ये बन के मेरा हो गया है रेडी। तो चलिए वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।